हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है साहिबली और आप बूस्टेक एंड स्टडी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो मतलब इसी के रिलेटेड है, जैसे किनारे आपको दो वीडियो मिल रहा होगा, इसी की रिलेटेड वीडियो आज भी मतलब तीसरी थर्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ जानकारी बची हुई है जो आपको मतलब जानकारी ये भी लेना बहुत ही ज़रूरी है व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको ये तीनों वीडियो देख लेंगे और उसके बाद से आपको वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए बिना कुछ ड्रामा किए आपकी वीडियो को मतलब वीडियो को टिक्स की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो बेसिकली आपको व्हाट्सएप को एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और ये जो मैं पहला टिक्स है वो बता रहा हूँ इस वीडियो का पहला टिक्स। तो वो पहला टिक्स आपका क्या है, मतलब किसी भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी का भी नंबर अपने रिलेटिव या किसी का नंबर आपने व्हाट्सएप को हाइड करके रखना है, व्हाट्सएप में उसको दिखाई नहीं देना है। तो आपको कैसे क्या करेंगे कि उसकी वीडियो उसकी लोगो या उसकी व्हाट्सएप की में प्रोफाइल कैसे आपको हाइड करेंगे, तो कैसे उसको आप हाइड करके अपने जीएफ या बीएफ को अपने वहाँ पे हाइड करके रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको उसकी जिसका भी आपको हाइड किया करना है तो उसको वहाँ पे टच किए रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने टच किया और डाउनलोड के यहाँ पे दूसरे ऑप्शन दिख रहा हो, यहाँ पे करेंगे वो आपका हाइड हो गया है। जैसे मैं आपको एक बार देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है आर्काइव्ड, मतलब आपकी ये छुपी हुई है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पर टच किए रहेंगे तो ये आपका हट जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर अलग कर दिया, वो हट गया। तो पहली जानकारी थी टिप्स आगे की, मतलब बढ़ते हैं दूसरी टिप्स की आगे के बताते हैं कि दूसरी टिप्स क्या है। तो ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो दूसरी टिप्स भी आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। तो दूसरी टिप्स आपका ये है कि मतलब किसी अपने दो फ़ोन के रिलेटेड अपने एक व्हाट्सएप का नंबर कैसे अपने एक व्हाट्सएप अपना दो मोबाइल फ़ोनों में या तीन मोबाइल फ़ोनों में कैसे यूजली यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो यूजली आप इस समय जान लें बिना किसी एप्लीकेशन से, बिना किसी आपको किसी यहाँ पे कुछ बिना दिए हुए आपको यहाँ जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी कैसे आप अपने इस व्हाट्सएप से दो नंबर चला सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको दिख रहा होगा लिंक डिवाइस, यहाँ पर लिंक डिवाइस करेंगे और यहाँ पर लिंक के डिवाइस दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे वो आपका जो लिंक आपको मतलब इस पर स्क्रीन लॉक लगाएंगे तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे दे देना है और उसके बाद से आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर स्कैनिंग मांग रहा है। तो चलिए अब आप पीछे के दो मोबाइल नहीं है तो इसलिए मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो आपको बैक जाना है, यहाँ से मैं बैक आ गया और उसके बाद से आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पर सर्च टाइप पर सर्च करना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या सर्च टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको अलाउ करना है तो अलाउ ही कर देंगे, ट्राई अगेन एक अलाउ कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आपके गूगल पर मतलब आपको लिखना है व्हाट्सअप। जैसे मैंने व्हाट्सअप लिख दिया, व्हाट्सअप लिखना है और उसके बाद से वेब लिखना है, स्कैन लिखेंगे। स्कैन लिखने के बाद से आपको सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप वेब स्कैन करने सर्च करने के बाद से पहला जो आपको टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर बेसिकली क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ी ऊपर जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कितना आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो तीर का निशान दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। कई मोबाइलों में थ्री डॉट पर मतलब थ्री डॉट मुझ पर दिखाई देता है तो उससे कुछ नहीं करना, आपको ये एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे रिसेंट शेयर जो व्हाट्सएप का आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आपको देख रहे हैं यहाँ पर क्यूआर कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर क्यूआर कोड आपका आ गया। तो क्यूआर कोड के बनने के बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से वो स्कैन जो पीछे की ओर किए रहेंगे तो जो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जो स्कैन आपको यहाँ पे किए रहेंगे इसी स्कैन को यहाँ पर लाकर यहाँ पे रख देंगे तो वहाँ पर आपका ये यूज हो जाएगा और आपका दो अकाउंट उसी व्हाट्सएप का बन जाएगा। बेसिकली आपको अच्छा लगा हो तो चलिए तीसरी टिप्स की आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स आपका क्या है, तो ये तीसरा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा टिप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताऊँ तो तीसरा टिप्स आपको क्या है, तो यहाँ पर सर्च बॉक्स मतलब किसी की फ़ोटो यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अपने जितने भी फ़ोटो किसी के पास भेजे होंगे या आपके पास आया होगा तो वहाँ से आपको डायरेक्टली यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अपलोड मतलब भेजे होंगे या कोई आपको दिया
किया होगा तो बेसिकली वो पूरी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी फ़ोटो आपके साथ आया होगा। तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका आ जाएगा। फिर से बैक जाएंगे, वीडियोज़ भी क्लिक करेंगे तो वीडियो जो आएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक आएगा, GIF आएगा, ऑडियो आएगा, डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पर 6 आपको टॉप्स दे दिए गए हैं और 6 टॉपिक की बातें में आपको व्हाट्सएप से डायरेक्टली मिल सकते हैं जितने आप की रहेंगे। तो तीसरा आपका टिप्स था, तो तीसरा टिप्स आपके लिए बहुत ही खास हुआ होगा। तो चलिए चौथे टिप्स की आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा टिप्स आपका क्या कर रहा है, चौथे टिप्स मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि चौथा टिप्स आपका क्या होगा। तो ये आपका जो चौथा टिप्स है, ये चौथा टिप्स आपको क्या करना है, स्टेटस पर जाना है। अगर आपने स्टेटस किसी का नहीं देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप जितने भी स्टेटस देखते हैं तो एक बाई एक करके आता रहता है, तो आपको जिसका स्टेटस नहीं देखना होता है तो उसको क्या करेंगे कि उसका स्टेटस आपको नहीं दिखाई दे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको किसी का स्टेटस पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसको नहीं देखना है तो उस पर क्लिक किए रहेंगे तो आपको यहाँ पे म्यूट आ जाएगा, म्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, वो स्टेटस आपको नहीं दिखाई देगा। फिर से उसको आपको रिकवर करना है कि मतलब नहीं वीडियो उसका स्टेटस देखना चाहिए, तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूटेड अपडेट्स लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आ गया, तो इस पर क्लिक किए रहेंगे तो फिर से या आपका अनम्यूट हो जाएगा, फिर से उसका आपका स्टेटस दिखाई देने लगेगा। तो चौथा टिप्स था, तो चौथा टिप्स आपके लिए बहुत ये खास नहीं था, लेकिन बेसिकली आप यूजली यूजर व्हाट्सएप होंगे तो इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो चलिए पांचवें टिप्स की आगे की मैं बता रहा हूँ, पांचवा टिप्स आपका क्या है व्हाट्सएप का, जो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए और हम लोगों के लिए ये मालूम बहुत है कि मतलब बेसिकली इस व्हाट्सएप को चलाते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। बिना ये पांचवा एप्लीकेशन है आपका, बिना एप्लीकेशन के या बिना किसी डाउनलोड किए हुए ये जानी है। तो जो पांचवा एप्लीकेशन है वो आपको क्या करना है कि आपका पांचवा एप्लीकेशन ये मतलब बता रहा है कि जो आप पांचवा आपका टिक्स है, ये पांचवा टिक्स आपको क्या करना है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। ये पांचवा टिक्स आप नहीं जानते हैं तो ये बेसिकली आप जान लें कि पांचवा टिप्स इसका है क्या और क्या इसका यूज है। तो कई मतलब आपको परेशानी होती होगी कि मेरा MB या मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है और मेरे MB ज़्यादा खर्च होने लगती है, तो इसके बचने के लिए आपको मतलब जितने भी आपको वीडियोज़ या इमेज आपके व्हाट्सएप में आते हैं तो डायरेक्टली उसका आप बिना डाउनलोड किए हुए वो डाउनलोड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपके जो डाटा को स्टोरेज बचाने के लिए क्या करेंगे कि वो अपने डाउनलोड नहीं हो, जब आपको मन चाहे तो आप डाउनलोड करें तभी ये उसको डाउनलोड हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टोरेज एंड डाटा, ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे और बेसिकली आपका ये जो ऑन ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेंगे। तो ये आपका इससे ये फायदा रहेगा कि आपकी किसी से भी कॉल इससे करेंगे तो आपका जो MB है वो आपका कम खर्च होगा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेन यूजिंग मोबाइल डाटा या वेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई डाटा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेन यूजिंग मोबाइल डाटा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ऑडियो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। अब फिर से दूसरे नंबर वाले पर वैसे ही क्लिक करके यहाँ पर सभी को हटा देना है और ओके कर देंगे। तो ये आपका 6 टिप्स था और आपको यहाँ से कम MB खर्च होगा, जैसे व्हाट्सएप से ज़्यादा आपका MB या जितना भी स्टोरेज आपको यहाँ से ज़्यादा खर्च नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको वो 3 वीडियो में 13 आपको टिप्स बताया है, तो 13 टिप्स की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को मतलब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड धन्यवाद।